कब्रिस्तान में कटा हुआ हाथ मिलने से मची सनसनी। अभी हाल ही में दिल्ली में शरीर के टुकड़े करके फ्रीज में रखने और एक एक कर फेंकने की घटना ने जहां पूरे देश को हिलाकर रख दिया, वहीं दरभंगा शहर में इसी से मिलता जुलता वाकया सामने आने की आशंका दिखने लगी है। दरअसल शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के चकझोड़ा स्थित एक कब्रिस्तान में कटा हुआ हाथ मिलने से सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों एवं मीडिया द्वारा सूचना मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को स्थानीय कब्रिस्तान के मैदान में एक तौलिया में लपेटकर किसी व्यक्ति का एक कटा हुआ हाथ किसी ने फेंक दिया था। मैदान में खेलने के क्रम में बच्चों की नजर इस पर पड़ी। कुछ लोगों ने इसे तत्काल एक मजदूर बुलवाकर दफन करवा दिया, पर गुरुवार को यह हाथ काफी गंध देने लगा। इससे आसपास के लोगों को पूरी बात पता चल गई। लोगों में यह घटना चर्चा का विषय बन गया। एक स्थानीय समाजसेवी द्वारा पुलिस को इसकी सूचना देने का प्रयास किया गया, परंतु थाना अध्यक्ष के मोबाइल पर कॉल नहीं लगने के बाद उन्होंने इसकी सूचना एक न्यूज चैनल को दी। फिर न्यूज चैनल की टीम ने स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद थाने की पुलिस ने पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल कोई भी पक्ष कुछ स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं दिखे, परंतु इस कटे हाथ के मिलने से आशंकाओं का बाजार गर्म जरूर हो गया। मामला ये है कि आज शाम में जब हम कार्यालय से लौटे तो मतलब घर में चर्चा चल रही थी कि गमछा में लपेटा हुआ पूरा हाथ मतलब लपेट करके कोई फेंके हुआ था कटा हुआ हाथ। तो ये हमको संज्ञान में आया मतलब सुनने के बाद, तो उस पर तहकीकात किया तो मालूम हुआ कि कल सुबह मतलब 11 बजे उसको देखा गया। देखने के बाद मतलब जो है उसको फिर वहां पर लोगों ने मतलब मिट्टी में मतलब दबा दिया। जो हाथ कहां पर था? गेट के मतलब यानी आगे अंदर में मतलब फेंका हुआ था गमछा में लपेट करके। मतलब किस स्थान पर? कब्रिस्तान के पश्चिम साइड में मतलब फेंका हुआ था। लोगों ने कहा और मतलब घर पर जब हम आए तो आज शाम में हमको मालूम हुआ। तो इस पर मतलब अभी आप आए हैं तो मतलब हमको जानकारी मतलब वो तो हमने देखा है। लेकिन रहा सवाल ये कि मतलब ये जो है किस क्षेत्र में पड़ रहा है ये कब्रिस्तान? ये वार्ड नंबर 39 में पड़ता है और ये आपको महाराजगंज और बहादुरगंज दिलदारगंज और मतलब इन सब आपको मोहल्ले का कब्रिस्तान है। चकजोड़ा का भी कब्रिस्तान यहीं पर है बगल में। यहाँ पे घनी आबादी है जी, लोगों का आना जाना है, घर भी है, अंधेरा रहता है जी। प्रशासन से गुजारिश है कि यहाँ पे एक लाइट का इंतजाम कर दिया जाए। तो क्या लगता है आपको ये जो फेंक के गमछा में इंसान का हाथ फेंक करके कब्रिस्तान में चला गया, तो क्या लगता है कि रात के अंधेरे में? हाँ, ये रात के अंधेरे ही की काम है क्योंकि ये सुबह देखा गया है जी जी। क्योंकि शाम में यहाँ पे 100 लड़का 200 लड़का खेलता ही रहता है, यहाँ पे ग्राउंड है ना? ग्राउंड में जी, दिन भर लोगों का आना जाना है, एनी टाइम लोग रहते हैं। अंधेरे का फायदा उठा के वो फेंक के चला गया जो सुबह में देखा गया। प्रशासन से यही गुजारिश है कि लाइट का इंतजाम कर दे, तो अंधेरे में ऐसा काम नहीं होता। पोल करवाने का पोल करा दिया जाए, पोल करवा के लाइट लगवा जाता तो ये तक नहीं होता। कौन आता कौन जाता वो नजर आ जाता। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सिकंदर हुआ।